राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने से पहले राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हरियाणा के भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस के सवाल खड़ा करने पर पलटवार किया है। दरअसल संविधान हत्या दिवस के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनाने से पहले ये बता दें कि अमित शाह ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया। अब आपको सुनाते हैं पूनिया का बयान, जिसमें पूनिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर जो पाखंड किया, आगे क्या कुछ कहा सुनिए उनकी जुबानी। देखिए, हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर जो पाखंड किया वो बेनकाब हो चुका है, क्योंकि नई पीढ़ी को ये इल्म नहीं था कि इस देश में आजादी के बाद जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ था वो जुल्म आपातकाल को लेके था। 19 महीने लोग जेल में रहे, प्रताड़ना सही, प्रेस पर सेंसरशिप हो गई। तो ये सही जवाब है कि लोगों में एक संदेश इस नई पीढ़ी में जाए कि लोकतंत्र की हत्या की, इस देश में अराजकता की, संविधान के नीति और नियमों के उल्लंघन की कोई दोषी है, कोई पापी है तो कांग्रेस पार्टी है। और इस संविधान हत्या दिवस के घोषणा के बाद इस तरीके से कांग्रेस के खेमे में पहचानी है, उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश को लूटा था, भ्रष्टाचार के जरिए अराजकता फैलाई थी। तो मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय है और नई पीढ़ी में एक संदेश ही जाएगा। राहुल गांधी का बयान आया है, वो कहते हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है वो बेरोजगारी का महाकेंद्र है। मेरे ख्याल से इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संप्रदायवाद, ये यदि किसी के जनक है तो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए उनको ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस बारे में कोई सवाल खड़ा करें। कार्य समिति की बैठक है, लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद पहली बैठक की कार्य समिति की। 8,000 भाजपा नेता और कार्यकर्ता राजस्थान भर से शामिल हुए। क्या लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहा उसका मंथन होगा आगे की किस प्रकार की कार्य? देखिए, हम लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन हार हमें सबक देती है और जीत जो हमें एक